यस। तो ये आठवां लेक्चर है जो अपनी सीरीज चल रही है कि क्या करें जब हमारी इंडिकेटेड रेमेडी फेल हो जाए। ये टॉपिक अभी थोड़ा सा काफी लंबा चलने वाला है क्योंकि इसमें अपन ने नोसोट्स की स्टडी को इंक्लूड कर लिया है और ये एक होम्योपैथ की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि होम्योपैथ की लाइफ केयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वो अपने डे टू डे प्रैक्टिस में फेस करता है। जब एक फिजिशियन ग्रो करता है धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस करता है और जैसे जैसे जब वो सही प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो जैसे जैसे एक होम्योपैथ ग्रो करता है, ध्यान रखना ग्रोइंग, ग्रो कर रहता है, कहने का मतलब क्या है, जब वो सही तरीके से प्रैक्टिस करता है, और सही तरीके से प्रैक्टिस करना हिम्मत दिखाना, जब वो अपने फियर्स छोड़ता है। याद रखना फियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जितना ज्यादा फियर होगा उतना ज्यादा आपकी सक्सेस नहीं होगी। अभी मेरे पास कल ही के दिन यूपी से कोई फोन आया, एक मोहतरमा थी, वो कहने लगी कि सर मुझे होम्योपैथी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, मुझे होम्योपैथी में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मैं होम्योपैथ हूं कहने लगी, लेकिन आपके वीडियोस देखी तो मुझे इंस्पिरेशन मिली। हालांकि मेरे पास उस वक्त ज्यादा वक्त नहीं था बात करने का क्योंकि मैं क्लिनिक के लिए निकल रहा था, तो मैंने बोला आप सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। पहली बात तो ये कि आपके यकीन करने का और ना यकीन बेयकीनी के कोई कीमत नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ इट। जब तक आपने साइंटिफिक माइंड नहीं रखा और चीजों को घुस के नहीं देखा और खुद अनुभव नहीं लिया, उसके बाद आपने अपना कोई राय बनाई तो वो कीमती होती है, वो मायने रखती है। और फिर मैंने उससे कहा ये सब बहाने हैं, ये अपनी कायली को और अपने फियर को, डरों को और अपने आलस को छुपाने के बहाने हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर वो ऐसा मैं कैसे, मैंने बोला कि सारी चीजें हमने अपने वीडियोस में बेसिक से लेके इवेल्युएट कैसे करें अपने चैनल में अवेलेबल है, इवेल्युएट कैसे करें, केस कैसे लें, ये सारी चीजें बेसिक्स, मेहनत करो। सो जब एक होम्योपैथिक ग्रो करता है धीरे धीरे, वो अपने फियर और डाउट्स की जगह जब उसके मन में यकीन आने लग जाता है, नेचुरल सी बात है कि किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको शुरुआत में कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि फेलियर्स के मुकाबले शुरुआत में सक्सेस रेट कम हो, बट दैट इज द प्रोसेस। मास्टरशिप की तरफ प्रोसेस क्या है, अगर आप किसी चीज के मास्टर होना चाहते हैं दुनिया में किसी भी चीज के, तो पेशेंस एंड परसीवरेंस, ठीक है ना। कुरान में एक जगह लिखा हुआ है कि ईश्वर उनसे मोहब्बत करता है जो पेशेंटली परसीवर करते हैं, जो सब्र रखे रहते हैं, मतलब उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, और साथ ही साथ कुछ भी परेशानी आ रही है, कितने भी रोड़े आ रहे हैं, अपना परसीवरेंस मनाए रखते हैं। और ईश्वर मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से, कहने का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा कि ईश्वर इससे मोहब्बत करता है, किसी भी व्यक्ति को देख के उसकी प्रॉस्पेरिटी से, हर मामले में उसकी खुशी से, उसके जीवन जीने के तरीके से। लोग बोलते ना यार बड़ी मेहरबानी है यार इसके ऊपर, ऊपर वाले की। सो अपने काम में आप पेशेंटली प्रसीवर करें, जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका फेलियर रेट कम होता जाएगा, सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके दिमाग में, आपके मन में डाउट्स और फियर की जगह यकीन बैठता जाएगा, वैसे ही आप ग्रो करते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस चलती है इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है
हम कई बार जब फेल होते हैं तो हमारे पास निश्चित पैमाना होना चाहिए कि हम किन किन चीजों पर ध्यान दें कि हम फेल हो रहे हैं तो हम अपने इस फेलियर को सक्सेस में कैसे बदलें। एंड दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, ये जो टॉपिक जो चल रहा है वही है। और इन फेलियर्स से निकलने के लिए, अपने केसेस को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा हमारे काम जो आते हैं होम्योपैथ के जबरदस्त हथियार, वो होते हैं नोसोड्स। ये आठवां पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपन, आठवें पॉइंट के अंदर नोसोड्स। तो हमने सोचा कि ये नोसोड्स को अपन कम से कम बेसिक नोसोड्स को फुली डिस्कस कर ले। सो अपना चल रहा था टॉपिक ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके बेहतरीन, शानदार और प्राइमरी वेपन्स में से एक है। आप डॉक्टर्स के अनुभव सुनिए, पढ़िए ट्यूबरकुलिनम के बारे में और खुद भी उसको प्रयोग करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये कैसे एक ह्यूमैनिटी के लिए इसका जो आविष्कार है एक वरदान की तरह है। सो आज के टॉपिक में शुरू करूंगा एक महान फिजिशियन के केस से, जो मैं पहले बता चुका हूं। पहले अपना कोई टॉपिक डिस्कस चल रहा था तो मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। डॉक्टर पी शंकरन, ए वेरी ग्रेट होम्योपैथ, बहुत ही महान होम्योपैथ। खाली अगर इनके लिटरेचर्स को आपने पढ़ और लिख और समझ लिया अच्छी तरीके से, तो मेरे हिसाब से आपको दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो अपनी लाइफ में जिन जिन डॉक्टर्स को स्टडी किया है, क्लासिकल होम्योपैथ्स को, जिनमें पूरा का पूरा ऑर्गनन का एसेंस था बिल्कुल एकदम, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट होम्योपैथ मैंने अपनी जिंदगी में जो जितने भी होम्योपैथ्स को पढ़ा है। तो डॉक्टर पी शंकरन का एक केस है, वो किसी डॉक्टर साहब के साथ मिलके ऐसे हॉस्पिटल्स में जाके देखो मेहनत कैसे करी आदमी ने, इन्हीं मेहनत, यही परसीवरेंस आपको आज हम जो उनको याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उन वो दे के गए हैं। देना आपको बरकत देता है, चाहे आप कुछ भी दो, ये नियम है ऊपर वाले का। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उनने कुछ ऑब्जर्वेशन किए कि सोचो कहां से आप ट्यूबरकुलिनम सेलेक्ट कर सकते हो। एक केस उनने अपना सुनाया था कि ट्यूबरकुल, तो और ये डाटा इनने इकट्ठा किया था किससे, ऐसे हॉस्पिटल्स में जाके जहां ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स भर्ती हैं, और उनका ऑब्जर्वेशन कर। तो उनके पास एक पेशेंट आई थी जिसको आंखों में प्रॉब्लम होगी, सीवियर केराटाइटिस हो रहा था उसको, और जब वो इनके पास आए तो उसका केस लेने के बाद रस्टॉक्स का सिलेक्शन हुआ। रस्टॉक्स 30 दिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। दोबारा केस लेने पे फिर से रस्टॉक्स 30, फिर से रस्टॉक्स निकली, देन 200 दिया, 1M तक पहुंच गए, कोई रिलीफ नहीं आया। और इस बीच उस लेडी की हालत ऐसी खराब होने लग गई कि बिल्कुल उसको दिखना बंद हो गया, उसकी आईसाइट जानी से लगी, वो बहुत ज्यादा, उसके घर वाले पैनिक हो गए, घबरा गए, और घबराहट में दूसरा ऑप्शन सोचने की कोशिश करने लग गए। इतने में डॉक्टर पी शंकरन की नजर पड़ी उसके नाखूनों पर। ट्यूबरकुलिनम का बहुत ही खास लक्षण है, नॉर्मल नाखून ऐसे दिखते हैं जैसे, ऐसे ग्लॉसी, ऐसे चिकने और चमकदार जैसे कि उनको पॉलिश किया हो। अगर बिल्कुल ऐसा स्ट्राइकिंग दिखे कि आपकी नजर जाए, मन में आए कि पूछ ले कि क्या कुछ पॉलिश किया है क्या तुमने, या कुछ लगाया है क्या, ऐसे उसके नाखून पे नजर पड़ी। इस बिना पर उनने ट्यूबरकुलिनम 1M का एक डोज दिया, उसके बाद रस्टॉक्स जो इंडिकेटेड रेमेडी थी फिर दी, और वो धीरे धीरे करके कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में इंप्रूवमेंट आया, बिल्कुल ड्रास्टिक, और दो हफ्ते में धीरे धीरे करके ठीक हो गई। जब उससे, लेकिन उनसे पहले पूछा था तो उसने नहीं बताया था, फिर बीच में भी पूछा था कि भाई तुम्हारे घर में किसी को टीबी वगैरह हो चुकी है क्या,
तो जब दो हफ्ते बाद वो ठीक हो गई और उसके जब वो ठीक हो गई और ठीक होने के दो हफ्ते बाद वो वापिस आई, ये बताने के लिए कि आपने मुझसे सवाल किया था तो मेरे जहन में वो बात थी, तो मैंने अपनी मदर को चिट्ठी लिख के पूछा था, वो वक्त में चिट्ठियां चलती थी, SMS और व्हाट्सएप नहीं होते थे, तो बोले कि उनने बताया कि हाँ उसकी खुद की मदर बचपन में ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो चुकी थी। तो ये यहां से भी कब कौन सी चीज आपके काम आ जाए आप नहीं समझ सकते, कहीं से भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन, लेकिन डॉक्टर शंकरन बोलते हैं, और इस चीज को मैंने कई बार वेरीफाई किया ट्यूबरक्लिनम का प्रयोग करने का। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्यूबरक्लिनम का आपने सुना, तो इसको बहुत याद रख लें। एक और भी बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बताई थी कि ऐसे लोगों में आप ये भी देख सकते हैं, अगर कहीं से सिलेक्शन ना हो तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था ऐसे लोगों को बिटवीन स्कैपुले और ये लंबर रीजन में बाल, ये भी एक उन्होंने इंडिकेशन बताया, पर इससे रिलेटेड कोई केस बताया हो तो मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं आया, बट ग्लॉसी फिंगर नेल्स से रिलेटेड जो बताया उसमें और उनको उसको उन्होंने कई बार कंफर्म किया, तो आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी अंडर कंसिडरेशन ले सकते हैं। ग्रेट डॉक्टर HC Allen जब अपने अनुभव बताते हैं नोसोट्स के बारे में, उनकी बुक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, अगर आप नोसोट्स की चूंकि अपने मुख्य हथियार हैं, ये करना ही चाहिए आप लोगों को, जब आप उनकी नोसोट्स पे जो उनकी मटेरिया मेडिका है, मटेरिया मेडिका ऑन नोसोट्स डॉक्टर HC Allen की, गो थ्रू इट, इट इज माई एडवाइस दैट यू हैव टू गो थ्रू इट, है ना, और कम से कम उसमें जो उनने इंडिकेशंस दिए हैं अपने बेसिक और प्राइमरी नोसोट्स के, जस्ट लाइक वेसिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफिलिनम, मेडोराइनम, सोराइनम, ठीक है, इस तरीके के सिफिलिनम, इस तरीके के जो दिए हैं, कम से कम बेसिक नोसोट्स को तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग स्टडी करें, इसमें डॉक्टर HC Allen की जो मटेरिया मेडिका और नोसोट्स है। ठीक, डॉक्टर HC Allen अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं ट्यूबरकुलिनम के बारे में कि अपनी क्रॉनिक डिजीज में, क्रॉनिक डिजीज लिख के गए हैं डॉक्टर हेनीमैन, अपनी क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हेनीमैन यहीं तक बता के गए थे कि जहां तक ग्रेट एंटीसोरिक की बात आती है दैट इज सल्फर, ग्रेट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की बात आती है दैट इज थूजा, ग्रेट एंटीसिफिलिटिक की बात आती है दैट इज मर्क्सोल, डॉक्टर HC Allen कहते हैं कि डॉक्टर हेनीमैन ये बता के गए, लेकिन इन्हीं के अगेंस्ट में सोराइनम, सल्फर की जगह सोराइनम, थूजा की जगह मेडोराइनम एंड मर्क्सोल की जगह सिफिलिनम, बोले जहां पे ये थूजा, सल्फर, मर्क्सोल ये फेल हो जाती हैं उन केसेस में भी ये काम करती हैं। कहने का वो कहना चाह रहे थे कि अब उनका जमाना इस तरीके से समझना कि ये सबसे महान एंटीसोरिक या एंटीसिफिलिटिक है वो चला गया, अब ये जो नोसोर्ड्स आ गए दे आर सुपीरियर टू देम। ठीक है, और आप देखेंगे जब आप मटेरिया मेडिका और नोसोर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि एक एक नोसोर्ड्स में कई कई पॉलीक्रस्ट के अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स मिलते हैं। जैसे आप ट्यूबरकुलिनम का डायरिया पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप सल्फर का डायरिया पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह आता है,
ऐसी इतनी जोर से आता है कि बिस्तर से उठते ही भगना पड़ता है, और जाके बिल्कुल एकदम होता है स्टूल ढेर सारा प्रोफ्यूज वॉटरी एकदम पानी जैसा येलो गशिंग, बिल्कुल गशिंग एकदम बहाव से आता है भा ऐसी इस तरीके से ऑफेंसिव बदबूदार। ऐसी अपनी जो कई बेहतरीन बेहतरीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, कई पॉलीक्रस्ट के पिक्यूलियर सिम्टम्स आपको एक एक नोसोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ट्यूबरकुलिनम के बारे में और भी अपना एक्सपीरियंस बताते हुए डॉक्टर एचसीएलएन बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जो मैं बताने जा रहा हूं इन सब चीजों से अपन लोग बहुत ज्यादा दो चार होते हैं जब अपने पेशेंट्स को देखते हैं। जैसे डॉक्टर एचसीएलएन ने अपना अनुभव बताया कि इस ट्यूबरकुलिनम में इतनी एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस होती है, इतनी जबरदस्त संवेदनशीलता होती है एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस वातावरण के प्रभावों के लिए जबरदस्त। डॉक्टर एचसीएलएन कहते हैं कि बल्कि हमारी पूरी की पूरी मटेरिया मेडिका में वेदर चेंजेस के लिए इतनी सेंसिटिव रेमेडी कोई भी दूसरी नहीं है जितनी ट्यूबरकुलिनम है। डॉक्टर एचसीएलएन कहते हैं कि ये जितना गर्मी के प्रति सल्फर एंड लैकेसिस सेंसिटिव होते हैं, बहुत हालत खराब होती है। अभी जैसे ही थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगी, धूप चटक होने लगी, और लैकेसिस का पेशेंट अगर निकल गया इस धूप में तो उसकी ऐसी हालत खराब होती कि ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती। मतलब इतने सेंसिटिव जितना लैकेसिस और सल्फर होते हैं हीट ऑफ समर, गर्मी के मौसम की जो गर्मी पड़ती है उसके लिए, उतनी सेंसिटिव ट्यूबरकुलिनम भी आपको मिल जाएगी गर्मी के लिए। लेकिन जितना सेंसिटिव ठंडी हवा के लिए काली कार्प रहता है, बहुत सेंसिटिव होता है काली कार्प ठंडी हवा के लिए, हल्की सी भी ठंडी हवा दूसरे कमरे की भी खिड़की बंद करेगा जाके कि उधर से भी काली कार्प का पेशेंट क्या बोलेगा, वो दूसरे तीसरे कमरे की जो वो खिड़की जाके आप बंद करके आ जाइए, मेरे को हवा लग रही है ठंडी, सो सेंसिटिव काली कार्प। इतनी सेंसिटिविटी ठंड के प्रति भी ट्यूबरकुलिनम की मिल जाएगी आपको। तो अगर कोई केस में आप उलझे हुए और कोई एक्सट्रीम सेंसिटिविटी बताता है दोनों ही तरह के, बोले नहीं मेरे को ठंड भी बहुत, ऐसे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं भैया, जब आप उनसे पूछना चाहते हो कि भाई पता तो करें कि ये चिली है कि हॉट है, क्योंकि सिलेक्शन में कई डॉक्टर्स जो हैं चिली और हॉट का भी बहुत बोलबाला रहा है भाई, कई डॉक्टर्स तो चिली और हॉट, चिली है पेशेंट कि हॉट है पेशेंट, इसी को बेस बना के बड़ी बड़ी और अच्छी प्रैक्टिसेस किए हैं, आपको केसेस मिल जाएंगे। लेकिन पेशेंट बोले नहीं डॉक्टर साहब मुझे ठंड भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत भयंकर लगती है, और इतनी जबरदस्त सेंसिटिविटी दोनों ही तरह के टेम्परेचर और वेदर चेंजेस एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस के लिए मिले तो आप ट्यूबरकुलिनम के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा डॉक्टर एचसीएलएन कहते हैं। ठीक है, और बोले कि देखो जैसे कि और वेदर चेंजेस के लिए अपने यहां क्या बोलते हैं, जब अपन ने मटेरिया मेडिका पढ़ा रस्टॉक्स हो गया, मर्कसोल हो गया, मर्कसोल को बोलते हैं ना बिल्कुल पारे की तरह होता है, जैसे मर्क्यूरी पारा हो गया, ठीक है ना, उसको रखते हैं ना बीपी इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, क्यों वो हल्के से भी चेंजेस के लिए में वो तुरंत रिएक्ट करता है, वेदर में इतना सा भी चेंज हुआ हीट है ना और कोल्ड में जरा सा भी चेंज हुआ मर्क्यूरी इमीडिएट रिएक्ट करता है, वैसा ही मर्कसोल का पेशेंट भी होता है, जरा सा भी ऊपर नीचे हर तरह के वेदर चेंजेस कैसा भी हुआ मर्कसोल को इफेक्ट पड़ता है, रस्टॉक्स को इफेक्ट पड़ता है, उतना ही आपको ट्यूबरकुलिनम भी मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एलोपैथिक स्कूल वालों ने घोषित कर दिया है कि ये जबरदस्त एलर्जी का पेशेंट है, जरा सा मौसम चेंज होता है तबीयत बिगड़ जाती, सर्दी जुकाम हो जाता है, जरा सा
ज्यादा गर्मी में रह गए तो उसमें दिक्कत हो जाती है, जरा सा ज्यादा ठंडी में रह गए तो उसमें दिक्कत हो जाती है, जरा सा वेदर चेंज होता है, मतलब हर चीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बार बार रिकरेंट प्रॉब्लम्स आ रही। इसीलिए डॉक्टर HCLN ने कहा है और वैसे ही आप देखोगे चेंजेबिलिटी, पल्सेटिल्ला हो गया, काली बाइक्रोम हो गया, लेग कैनिनम हो गया, क्या है काली बाइक्रोम की एक बहुत जबरदस्त खासियत क्या होती है, पल्सेटिल्ला, काली बाइक्रोम, लेग कैनिनम, इनकी तकलीफें जगह बदलती है, वांडरिंग पेन्स। कहीं भी पेशेंट अक्सर आपसे आके बोलते हैं आपका ध्यान नहीं जाता है, बट आपका तुरंत ध्यान जाना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी तो होना चाहिए कि डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द होता है। कहाँ होता है? अरे डॉक्टर साहब कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, दैट इज वांडरिंग पेन। ऐसे जॉइंट वाले भी आते हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक आई थी कि कभी ये जोड़ में सूजन हो जाती है, दुखने लगता है, कभी ये जोड़ में, लेग कैनिनम साइड्स अल्टरनेट करता है। पल्सेटिल्ला, चेंजेबिलिटी, मूड चेंजेबिलिटी, अभी हंसते मिल रहे हैं, अभी रोते मिल रहे हैं, अभी डिप्रेस दिख रहे थे कुछ घंटों पहले, शाम को खिलखिला के घूम रहे हैं, इस तरह की मूड की चेंजेबिलिटी। सिम्टम्स की चेंजेबिलिटी, सिम्टम्स चेंज हो के आ जाते हैं, है ना। पल्सेटिल्ला में क्या लिखा हुआ है, नो टू स्टूल्स आर अलाइक। आज जो लेटरिन गया वो आज पता चला सेमी सॉलिड थी तो कल सॉलिड हो गई, परसों सूखी होगी, कभी ऐसे चेंज होगी। ये सारी चेंजेबिलिटी, ये सारे इरेटिक सिम्टम्स आपको ट्यूबरकुलिनम में भी मिल जाएंगे। इसलिए डॉक्टर कासिम चिमठाना वाला सर, डॉक्टर कासिम चिमठाना वाला सर प्रेसिडेंट है नागपुर में नेशनल एकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया में, वो कहते हैं इनको पॉलीक्रस रेमेडीज नहीं कहते, वो नोसोर्ट्स को कहते हैं दे आर मल्टी पॉलीक्रस रेमेडी, ऐसी रेमेडीज जिसके अंदर कई तरह की पॉलीक्रस्ट रेमेडी समाई हुई है। अब आपको कई ऐसी रेमेडीज भी मिलती हैं इग्नेशिया टाइप की। क्या इग्नेशिया की खासियत क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। आपको अगर कोई भी लक्षण देख के मन में ये आए अरे यार हो तो ये रहा, होना तो उल्टा चाहिए, होना इसका उल्टा चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे कि कोई बोले कि सीवियर पेनफुल फाइपाइल्स है, सीवियर मैंने ठीक किया है, सीवियर पेनफुल पाइल्स की शिकायत है डॉक्टर साहब, मैं मेंटल में नहीं जाता हूं, जिस्म से ही, शरीर से ही आपको सिम्टम बताता हूं, है ना। रेस्ट मोड में रहो, लेटे या बैठे आराम से, तो भयंकर पेन करता है, चलते रहो तो आराम रहता है। अब लेटा है वो रेस्ट की कंडीशन में है, उसमें उसको आराम होना चाहिए, वो उल्टा चल फिर रहा है, दौड़ भाग रहा है तो हिल रहा है वो, उसमें रगड़ भी लग रही है, लेकिन उस वक्त उसको आराम रहता है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स आपको जो भी सिम्टम देख के मन में ये आए, ये इसका होना तो इसका उल्टा चाहिए यार, ये तो उल्टी गंगा बह रहा है, तो तुरंत दिमाग में क्या आता है? इग्नेशिया। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, उलट, ये भी आपको ट्यूबरकुलिनम में मिल जाएंगे। इसलिए नोसोर्ट्स को डॉक्टर कासिम चिमठाना वाला सर क्या कहते हैं, दे आर मल्टी पॉलीक्रस रेमेडी। और ये इसकी ये खूबी जो रहती है नोसोर्ट्स की, जो ये खूबी रहती है कि वो अपने अंदर कई मल्टीपल पॉलीक्रस रेमेडी को समाये हुए हैं, ये जानकारी तो हमने आपको दे दी,
ये बुक्स भी आपको ये जानकारी देती है, लेकिन इसका अपने को यूज कहां पे आता है, ये हमारे किस काम की है, इस फैक्ट को जो हमने अभी जाना कि एक नोसोड अपने अंदर कई पॉलीक्रस्ट रेमेडी को समाये रखती है, इसका यूज हम कैसे करें। तो एक हुए डॉक्टर बैंकर, एक डॉक्टर बैंकर हुए, वो एक केस अपना सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक पेशेंट था जिसको दो पिक्यूलियर, एक पेशेंट था, दो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अल्टरनेटिंग आते थे, दो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अल्टरनेटिंग आते थे। इसको कैसे समझेंगे अपन, दो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का अल्टरनेटिंग आना, कभी एक ड्रग पिक्चर आ रही है, अभी कभी कोई ऐसा सिम्टम लेके आया कि फलानी चीज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाता है या फिर नहीं भी करवाता है या वो ठीक हो जाता है, तो अगली बार जब कोई दिक्कत आती है तो वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दूसरे रहते हैं, फिर अगली बार आया तो वो पहला ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब इस तरीके से अल्टरनेट होके एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मान लो एक बार उसको सल्फर के सिम्टम आ रहे हैं, एक बार लाइकोपोडियम के आ रहे हैं। तो बोले मेरे पास एक पेशेंट आया जिसके पास दो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते थे अल्टरनेट, और दोनों ही ग्रुप अलग अलग रेमेडी को रिस्पॉन्ड करते थे, और कोई भी ड्रग पूरे होल पिक्चर को कवर नहीं कर रही थी। बोले लेकिन मेरे को एक सिम्टम मिला। अब यहां अब ऐसा केस अगर अपने पास फंस जाए तो हमारे दिमाग में पहली फुर्सत में यह आ जाना चाहिए कि अब इसको जरूरत है नोसोड की। कभी भी ऐसा केस आपको फंस जाए, एक केस अपन ने डिस्कस किया था डॉक्टर कांजीलाल सर का, आया लेके दिया वो ठीक हो गया, अगली बार आया दूसरे ग्रुप ऑफ सिम्टम लेके आ गया, फिर दिए, बोले ऐसे 5-6 बार होने के बाद मुझे समझ में आया ये तो चेंज होके आ रहे हैं, ये तो अपने आप में ही सिम्टम है, और फिर ट्यूबरक्लिनम देके उन्होंने उसे ठीक किया था। तो अब अपने को ये देख के समझ में आ जाएगा इस तरह का केस फंसा कि नोसोड, अब नोसोड सिलेक्ट करना अपने को। अब ये नोसोड सिलेक्ट करने के लिए अपन नोसोड की जानकारी, नाखून देख रहे हैं, पास हिस्ट्री पूछ रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछ रहे हैं, और दुनिया भर के जो अपने डॉक्टर्स ने इंडिकेशंस दिए, तो इनको फिर पूछिए, कंफ्यूज बैठे हुए थे डॉक्टर एसएस बैंकर, तो ढूंढते ढूंढते इनको सहारा मिला कहां, जाके बोगर सिनोप्टिक की में। बोगर सिनोप्टिक की में एग्रावेशन और एम्ल्यूरेशन का जो चैप्टर दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक डेफिनेट एग्रावेशन होता है, और सिंगल रेमेडी दी है बोरिक सिनोप्टिक की में, दैट इज ट्यूबरक्लिनम। और उस पेशेंट को जिसके दो अलग अलग अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ सिम्टम आ रहे थे उसमें ये डेफिनेट एग्रावेशन था 10 बजे सुबह के आसपास से दोपहर के 3 बजे तक, और उन्होंने बोला जैसे ही मैंने ट्यूबरकुलिनम दी तो ट्यूबरकुलिनम ने क्या किया, पूरी उसकी सिम्टम पिक्चर चेंज हो गई, और जो सिम्टम का ग्रुप आया वो एक रेमेडी की तरफ इंडिकेट करने लग गया, और फिर वो रेमेडी देने से वो केस सॉल्व हो गया। इस तरीके से इस तरह के अटके हुए केसेस सॉल्व होते हैं। अपना भी एक अनुभव सुना रहा हूं, है ना, अपना एक एक्सपीरियंस सुनाता हूं। मेरे पास एक बच्ची को लेके आए, उसको क्या था, ठीक है, न्यूरोजेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप की थी उसको, उसको ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही थी उस बच्ची की, उसकी उम्र के बच्चे बातें करने लग गए थे, वो बोलना नहीं सीखी थी, यानी कि पापा मम्मी भी नहीं बोलती थी, ड्रूपिंग आईलिड्स थी मसल्स के वीक होने की वजह से, वो प्लान आउट कर रहे थे कि भाई किसी न्यूरोफिजिशियन को दिखाएं। उसका पूरा केस लेने के बाद उसकी केलकेरिया कार्ब आ रही थी,
कैल्केरिया कार्ब उसको काफी दूर तक लेके गई पोटेंसी बढ़ाते बढ़ाते, लेकिन एक जगह स्टैंड स्टील कंडीशन आ गई और इंडिकेट कैल्केरिया कार्ब भी हो रही है। और कभी कभी कोई वो सिम्टम बताते तो कोई दूसरी रेमेडीज की तरफ ध्यान जाता था। अब देखो जानकारी अपने को हो तो अपन कहीं से भी, अब ऐसी कंडीशन में अपने को क्या चाहिए, या तो दो अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं जो कि पूरा एक रेमेडी की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप नोसोड ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा सेम रेमेडी का इंडिकेशन है लेकिन फिर भी पोटेंसी बढ़ाने पे एक जगह हद पे आके वो रेमेडी रुक गई और आगे पोटेंसी बढ़ाने पे भी काम नहीं कर रही है, तो ऐसा वक्त होता है नोसोड्स का। तो लड़की के कौन से सिम्टम से मेडोराइनम सेलेक्ट हुई पता है? उसके नाखूनों में बीच में उसके मम्मी पापा बताते हैं गड्ढा, डिप्रेशन, नेल्स में डिप्रेशन ऐसे गड्ढा जैसा। और ये मालूम है किसी रिपर्टरी में नहीं मिला, कहां मिला मुझे, कहां सहारा मिला जाके, डॉक्टर फाटक की रिपर्टरी में, सिर्फ उसी में दिया है डिप्रेस्ड नेल एंड मेडोराइनम इज द सिंगल रेमेडी। और मेडोराइनम देते ही जैसे कि चमत्कार हो गया। समझ में आया? इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारी ये नोसोड्स। अब वैसे तो ट्यूबरक्यूलिनम की कई वैरायटी हैं, कम से कम 15-20 वैरायटीज हैं ट्यूबरक्यूलिनम की, लेकिन और यूज भी होती हैं, जैसे कि फ्रांस वाले जो यूज करते हैं वो अलग ही किस्म के हैं। बट कुछ एक नोसोड्स हैं जो बेसिकली यूज होती है। डॉक्टर पियरे स्मिथ कहते हैं, डॉक्टर पियरे स्मिथ कहते हैं कि मेन तो आपका वही है ट्यूबरक्यूलिनम बोविनम कैंट, सिर्फ ट्यूबरक्यूलिनम की जब बात कर रहे हैं, ट्यूबरकॉक्स ट्यूबरक्यूलिनम बेसिलिनम, ये सबसे जेन्युइन और सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रिपरेशन है। और अपन ने लास्ट क्लासेस में ये देखा था कि बोविनम वैसे तो सब इंडिकेट हो जाती हैं ये एक दूसरे में, लेकिन स्पेशली जैसे कि जब ट्यूबरकुलिनम एवियर की अपन बात कर रहे थे, ट्यूबरकुलिनम एवियर जो है किससे, कहां से निकाल के इसको बनाए थे, चिकन में से, बर्ड में से, टीबी मैनिफेस्ट हुई बर्ड में और बर्ड से निकाला इसको। तो कहीं पे भी कोई ट्यूबरकुलोसिस इस दवा से ठीक हुआ है ऐसा कोई प्रमाण किसी डॉक्टर ने नहीं दिया, लेकिन ट्यूबरकुलिनम एवियर बच्चों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में चमत्कार करती है। क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलिनम एवियर के बारे में? इमेंस वैल्यू इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस ऑफ यंग वंस, छोटे बच्चों की रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए ये इमेंस जबरदस्त कीमती दवा है। ये डॉक्टर जयसूर्या ने तो पिछली बार अपन ने बात की थी ना, अपने यहां हुए बहुत बड़े डॉक्टर, आंध्र प्रदेश के डॉक्टर थे डॉक्टर जयसूर्या, उनने बोले मैंने 400 रिकेटी चिल्ड्रन के ब्रोंको न्यूमोनिया के केसेस को ठीक की जिस ट्रीट किया है जिसमें से सिर्फ एक ही की डेथ हुई थी। छोटे बच्चों में ब्रोंको न्यूमोनिया एक फेटल कंडीशन है, आप लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं आप देखते हैं, सीधे आईसीयू में लेके जाते हैं। और डॉक्टर जयसूर्या ने क्या कहा था, मेरा सीक्रेट क्या है, माई सीक्रेट इज ट्यूबरकुलिनम एवियर 30 सिंगल डोज।
वैसे मैं तो आपको ये राय दूंगा, जो लोग इस तरह की क्लासिकल प्रैक्टिस करते हैं ट्यूबरकुलिनम की, जितनी भी वैरायटी जहां से भी मिले, खास तौर से ट्यूबरकुलिनम एवियर, बेसिलिनम, ट्यूबरकुलिनम बोविनम केंट, कॉक्स ट्यूबरकुलिनम, ये जो मुख्य था ट्यूबरकुलिनम एवियर, ठीक, और कई जगह तो ये भी, और मिले तो आजकल तो क्या कहते हैं अपना लोग बाग ग्लोबल हो गए हैं, लोग बाग की पहुंच रिलेशंस ग्लोबल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी ने लोगों को ग्लोबल कर दिया है, और आप इजीली सर्च भी कर सकते हैं कि दुनिया के कौन से कोने में ये चीज अवेलेबल है और उसको मंगा भी सकते हैं। जैसे कि एक अभी अपने यहां तो ये मेडिसिन मिली नहीं, लेकिन इसका एक इंडिकेशन मिला जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि अपन लोगों का कभी अपन ने मंगा के रखा तो अपने बहुत काम आ सकता है, क्योंकि मैंने तो प्रयोग नहीं किया अभी तक इसको, और मेरे को अभी तक ये मिली भी नहीं। एक है बेसिलिनम टेस्टियम, बेसिलिनम का एक प्रकार है। बेसिलिनम मेन कौन सी यूज होती है आज, अपन कौन सी यूज करते हैं, बेसिलिनम बर्नेट। डॉक्टर बर्नेट ने बेसिलिनम बर्नेट कैसे बनाई थी, जो ट्यूबरकुलस लंग की जो कैविटी है उसके पास का टिश्यू लेके उसको मैसरेट करके फिर उससे बनाई थी, जिसमें ट्यूबरकुलर बेसिलाई थे, उसका नाम दिया था बेसिलिनम। ये जो बेसिलिनम टेस्टियम किससे बनाई, ट्यूबरकुलोसिस का इफेक्ट हो गया टेस्टिस में, ठीक, और उससे ये बेसिलिनम टेस्टियम बनाई गई। इसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रीडोमिनेंटली बॉडी के लोअर पार्ट की कमर से नीचे के हिस्से के अगर मैनिफेस्टेशंस हो, और ट्यूबरकुलिनम इंडिकेट हो रही हो, तो आप उसकी जगह बेसिलिनम टेस्टियम दिए। डॉक्टर फोबिस्टर, डॉक्टर डोनाल्ड फोबिस्टर, ए ग्रेट होम्योपैथ जिन्होंने कार्सिनेशन पे बहुत काम किया और उसके बारे में काफी बताया भी है, और खास तौर से उनने कॉजेशंस पे बहुत काम किया है, उनकी एक बुक मैंने बताई थी ना सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट हिस्ट्री में इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, पास्ट हिस्ट्री में बहुत काम किया उन्होंने, कॉजेशन नहीं पास्ट हिस्ट्री, कि ये पास्ट हिस्ट्री मिले तो कैसे करें, बहुत अच्छी बुक है उनकी। तो डॉक्टर फोबिस्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर नॉक्चर्नल इन्यूरिसिस के केस में, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास जो लाए जाते हैं ना जिनको बिस्तर में पेशाब करने की शिकायत होती है, अक्सर उन बच्चों की उम्र इतनी होती है वो इतने सीरियस होते नहीं है कि वो होम्योपैथिक केस टेकिंग को उतना महत्व दे के और उतने अच्छे से जवाब दे पाए, उनका स्वभाव मिजाज खिलंदड़ होता है, उम्र ही ऐसी होती है, और किसी थर्ड पर्सन माँ बाप से हम उनके बारे में सुन रहे हैं तो वो ज्यादातर उनका अपना नजरिया होता है। ऐसे समय में हमारे पास इस तरह के केसेस को ठीक करने के लिए नॉक्चर्नल इन्यूरिसिस के, बिस्तर में पेशाब करने की प्रॉब्लम के, नोसोट्स बहुत काम आती है, अगर आपने सही नोसोट्स ढूंढ ली तो। हो सकता है बहुत प्रिडोमिनेंटली कैंसर की हिस्ट्री, एक अपन ने केस डॉक्टर पी संग्रहण का केस देखा ही था, सुना था नॉक्चर्नल यूनिवर्सिस का केस, वो भी 25 साल की यंग लड़की का, बिस्तर में पेशाब करती थी, और फैमिली हिस्ट्री से कार्सिनोसिन सेलेक्ट हुई और वो ठीक हो गई। उसी प्रकार से मान लो कोई आ गया जिसके फैमिली हिस्ट्री ट्यूबर, उसकी खुद की पास्ट हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस की है, मान लो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हुआ था उसको, तो नोसोट ट्यूबरकुलिनम सेलेक्ट हो रही है। तो डॉक्टर फोबिस्टर सजेस्ट करते हैं कि नॉक्चुरल इन्यूरिसिस का केस हो, और अगर ट्यूबरकुलिनम बोविनम यानी कि ट्यूबरकुलिनम केंट, पूरा नाम क्या है ट्यूबरकुलिनम बोविनम केंट, अगर सेलेक्ट हो रही हो तो आप उसकी जगह बेसिलिनम टेस्टियम दें। एक डॉक्टर टेलर स्मिथ का बहुत ही जबरदस्त अनुभव है
जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सुनना, डॉक्टर टेलर स्मिथ का बहुत जबरदस्त अनुभव है। वो कहते हैं सर्टिफाइड पागल जो होते हैं, जिनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि ये पागल है, बोलते हैं अपने अनुभव से कि ऐसे केसेस जो होते हैं उसमें से 2/3 केसेस सर्टिफाइड साइकोपैथ्स, व्हाट आर साइकोपैथ्स, मनोविक्षिप्त, मनोरोगी, विक्षिप्त, जिनको अपन विक्षिप्त मान लेते हैं कि ये विक्षिप्त हैं, पागल हैं ये, बोले उसमें से 2/3 कम नहीं होता, 2/3 बोले तो अबाउट 65% केसेस अगर सर्टिफाइड पागलों के हों तो वो कहते हैं डॉक्टर टेलर स्मिथ कि उनको जरूरत होती है ऐसे 2/3 केसेस को ट्यूबरकुलिनम बोविनम देन फॉलोड बाय मेडोराइन करके देखना। किसी कोई अगर प्रोमिनेंट लक्षण नहीं मिल रहा हो किसी पागल में कि यार कौन सी रेमेडी दू समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर टेलर स्मिथ का ये एक्सपीरियंस यूज करके देखना कि यार कोई डॉक्टर था उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि 65% से ज्यादा जो सर्टिफाइड केसेस होते हैं पागलपन के, विक्षिप्तता के, मानसिक विक्षिप्तता के, उनको ट्यूबरकुलिनम बोविनम देन फॉलोड बाय मेडोराइनम दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं, करके देखना। और एक और बहुत जबरदस्त और जिद्दी डिजीज से अपना सामना होता है, आप लोगों का भी जो प्रैक्टिस करते हैं उनका हुआ होगा, बड़ी जिद्दी डिजीज होती है भैया ये, और कई बार तो यही सिम्टम रहता है, इसके अलावा कोई दूसरा इंडिकेटिंग सिम्टम होता ही नहीं है। आपके पास रिंगवर्म लेके आ जाते हैं लोग, जॉक इच, जांघों के बाजू में, क्या बोलते हैं उसको, जॉक इच, ऐसे हो जाते हैं। कितने देखे, बहुत देखे होंगे, बहुत कॉमन है, बहुत सारे फोन भी आते हैं। मेरे पास तो बिहार से फोन आया, कहने लगे इधर महामारी की तरह फैला हुआ है, क्या कहते हैं, और समझ में नहीं आता, कोई भी दवा काम नहीं करती, कैसे करें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सही दवाइयों का प्रयोग, ट्यूबरकुलिनम मैंने वाला यूज किया, हाँ किया, फिर भी नहीं हुआ, तो खाली दवाएं बता देने से कुछ नहीं होता है। मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत अफसोस होता है जब होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी ऐसा पूछते हैं, कोई लेमैन पूछे तो समझ में आता है कि उसको पता नहीं है कि ट्रीटमेंट एक प्रोसेस होती है। ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होती कि सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, बता दो अपन इधर से बोल दिए क्रोसिन। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस। अब दवा बता भी देंगे कुछ नहीं हो पाएगा, हथियार तलवार दे दी हाथ में, लो मार दो साले को, चलाना तो आना चाहिए। तो सही रेमेडी का भी गलत रिपीटिशन, जल्दी से चेंज कर देना, तुरंत अलग से दूसरी रेमेडी में कूद जाना, हड़बड़ा जाना, हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में फैसले ले लेना, ऑर्गनन के हिसाब से ऑब्जर्व नहीं करना, रेमेडी रिएक्शंस का ध्यान नहीं रखना, कहां से होगा भैया ठीक, सिर्फ दवा बता देने से, है ना। बहुत सारे आते हैं कि दवा बता दो, क्रॉनिक डिजीज में नहीं होता। हाँ एक्यूट डिजीज में होता भैया, 2 दिन पहले फलाना एक्सपोजर हो गया था तो ये दिक्कत हो गई तो दवा बता दो, उसमें आप दवा बता सकते हैं एक्यूट कंडीशन में, बट नॉट इन क्रॉनिक केस। लगभग सिम्टम्स की लिस्ट भेजते हैं जिसमें 12-15-20 सिम्टम होंगे और सब एक से एक क्रॉनिक सिम्टम्स है, तो कहते हैं दवा बता दीजिए प्लीज। ठीक, तो होम्योपैथी इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, तो बढ़ता है इस डिजीज से पाला, ठीक है ना। तो एक महान होम्योपैथिक मास्टर डॉक्टर पुलफोर्ड कहते हैं, लिखा है उनने, कहते हैं कि ट्यूबरकुलिनम ऑलमोस्ट करीब करीब रूटीनली सक्सेसफुल है ऐसे हर्पीस। अपन इसको अपनी रिपर्टरी क्या कहती है, अपनी रिपर्टरी क्या कहती है रिंगवर्म को,
हर्पीस सिरसिनेटस, क्या लिखा हुआ है अपने रिपर्टरी में, क्या लिखा हुआ है? हर्पीस सिरसिनेटस। ठीक है, तो बोलते हैं डॉक्टर पुलफोर्ड, और पुलफोर्ड बोले तो डॉक्टर पुलफोर्ड एक जबरदस्त होम्योपैथिक के मास्टर थे। इनके अनुभव, इनके केसेस, इनकी जो लिटरेचर्स जो ये छोड़ के गए हैं, इनकी राइटिंग्स आपके इतने काम आ सकती हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो बोलते हैं कि जब आपके पास कोई ऐसा हर्पीस सिरसिनेटस का केस आ जाए, रिंगवर्म का, जिसमें दूसरे सिम्टम्स, कई बार लोगों को ऐसी आते ना कि खाली रिंगवर्म है और कोई दूसरा सिम्टम मिल ही नहीं रहा, तो डॉक्टर पुलफोर्ड बोलते हैं कि ऑलमोस्ट ऐसे केसेस में, हर्पीस सिरसिनेटस या रिंगवर्म के केसेस में, जहां पे दूसरे सिम्टम्स लैकिंग है जिसकी वजह से आप किसी पर्टिकुलर रेमेडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे में ट्यूबरकुलिनम रूटीनली सक्सेसफुल होती है। ऐसे केसेस में ट्यूबरकुलिनम रूटीनली सक्सेसफुल होती है, लेकिन उसको सही तरीके से आपको प्रयोग करना आना चाहिए, रिपीटिशंस का ध्यान होना चाहिए, पोटेंसी का ध्यान होना चाहिए। ऐसे केसेस में आपके पास डॉक्टर बर्नेट का तरीका, रिपीटिशन का बहुत काम आएगा ऐसे केसेस में। ठीक है, और डॉक्टर बर्नेट क्या करते थे, बेसिलिनम का सिंगल डोज देते थे हर हफ्ते, एवरी वीक, और जैसे ही रिएक्शन दिखने लगता था स्टॉप कर देते थे। अब आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, इस तरीके से आप ट्राई करें। अगर आपके पास हर्पीस सिरसिनेटस यानी कि रिंगवर्म का ऐसा केसेस आ रहा है जहां पे दूसरे सिम्टम्स लैग कर रहे हो, जल्दी निराश नहीं हो, हो सकता है पोटेंसी गड़बड़ा रही हो सकता है रिपीटिशन गड़बड़ा रहा हो, हमेशा रेमेडी नहीं गड़बड़ाती है, उसका प्रयोग करने का तरीका भी गड़बड़ा जाता है। जैसे अपन ने देखा था पहले जब डिस्कशन हुए थे कुछ लेक्चर्स में, कि कई दवाएं जो है वो मदर टिंचर्स में ही काम करती, उनको पोटेंसी भी दिया तो कोई काम नहीं किया। एक रीनल फेलियर का केस बताया था ना डॉक्टर पी शंकरन ने अपना, कि उसमें एक रेमेडी सिलेक्ट हुई थी अच्छे तरीके से, वो पोटेंसी में काम नहीं करी, उसको मदर टिंचर में दिए तो ठीक हो गया बंदा, ठीक होने लग गया। सो ये सब जानकारियां बहुत जरूरी हैं, खाली मेडिसिन बता दो इज नॉट द सॉल्यूशन। इसलिए कभी भी अगर आपको अच्छे होम्योपैथ बनना है तो ये सवाल कभी मत पूछना किसी मास्टर से कि दवा बता दीजिए सर, उससे ये पूछना ये दवा जो दी गई है ये सिलेक्ट कैसे की आपने, किन किन लक्षणों को आपने ध्यान में रखा। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत जरूरी जब ट्यूबरकुलिनम का आप प्रयोग करने जाएं, ठीक है, वो ये जानकारी है, ये मास्टर्स ने दी है, किस मास्टर से आई है मुझे इसका पता तो नहीं, बट ये जानकारी है मन में और ये आपके काम आ सकती है कि आपने कभी ट्यूबरकुलिनम का प्रयोग किया, किसी केस में ट्यूबरकुलिनम दिया और एग्रावेशन हो गया तो मास्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि लो पोटेंसी में कैल्केरिया कार्ब या कैल्केरिया फॉस उस एग्रावेशन को रोक देती है। ऐसा एग्रावेशन हो गया, पेशेंट की हालत खराब होने लग गई ट्यूबरकुलिनम देने के बाद, तो लो पोटेंसी में कैल्केरिया फॉस या कैल्केरिया कार्ब ऐसे एग्रावेशन को रोक देती है।
और एक जर्मन डॉक्टर हुए डॉक्टर क्रिशबाम, उनका नाम था डॉक्टर क्रिशबाम। उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो अभी अपन ने डॉक्टर बैंकर का अनुभव सुना था ना, कि कैसे केस एक रेमेडी से को कवर नहीं कर रही थी ग्रुप ऑफ सिम्टम को, तो वही उनने। और जो भी प्रयोग करेगा तो जो नियम होगा उसको बार बार पता चलेगा, पता चलता है। डॉक्टर क्रिशबाम ने क्या कहा, किसी भी नोसोल्ड की, खाली ट्यूबरकुलिनम की नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये उसकी खासियत होती है कि वो किसी भी केस को एक पॉलीक्रस्ट की तरफ मोड़ देता है, मतलब आपको रास्ता दिखा देता है कि इसको ये देना है। अपना ही मैं अभी 2 महीने पहले का अनुभव बता रहा हूं, एक लेडी आई, उसको सीवियर ड्राइनेस, इचिंग पूरी बॉडी में, दुनिया भर के सिम्टम्स थे उसको, नाखूनों के प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, लेकिन इस बिना चूंकि केस एक रेमेडी की तरफ स्ट्रांगली और कोई पिक्यूलियर सिम्टम भी नहीं थे, लेकिन उसको खूब तिल हो रहे थे, इस हिसाब से उसको कार्सिनोसिन दी गई। नोसोल्ड ऐसी कंडीशन में कार्सिनोसिन ने क्या किया पता है, वो कार्सिनोसिन लेने के बाद वाला जो उसका पीरियड आया 10-12-15 दिन बाद जो उस लेडी को पीरियड आया, तो वो पीरियड आया तो ऐसा पेन हुआ कि वो बेहोश हो गई। और उसको हॉस्पिटल लेके गए थे डर के मारे भाग के, उससे पूछने बोले नहीं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो जो अपने पास अपनी रिपर्टरी में एक सिम्टम है फेंटनेस डिसमिनोरिया में, 2-4-5 रेमेडीज दी हुई हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रेमेडी लाइकोपोडियम से बाकी सारी मैचिंग हो गई और लाइकोपोडियम से उसकी समस्या हल होना स्टार्ट हो गई। वो अभी भी ट्रीटमेंट में है लेकिन वो क्योर की प्रोसेस में है। देखो इस तरीके से यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नोसोल्ड का, कि आपके केस को डॉक्टर क्रिशबाम ने भी यही कहा, डॉक्टर बैंकर ने भी उसको दूसरे तरीके से यही बताया कि ये खासियत होती है एक नोसोल्ड की, खासियत ध्यान रखना, आपके इस हथियार जो नोसोल्ड है उसकी ये खासियत होती है कि वो आपके केस को एक पॉलीक्रस्ट की तरफ भी मोड़ देता है, आपको बता देता है निकाल के सिम्टम कि देखो इसको इससे क्योर कर लो। ऐसे ही अगर रूमेटिक केसेस में सुनो, ऐसे ही वात रोगों में रूमेटिक केसेस में, जोड़ों की बीमारियों में, अगर कभी रस्टॉक्स या अनुभव है अपने, और रस्टॉक्स चूंकि पॉलीक्रस्ट है ऐसे केसेस में बहुत सेलेक्ट होती है, और रस्टॉक्स सेलेक्ट हो किसी रूमेटिज्म के केस में और फेल हो जाए, तो ऐसे केसेस में लाइकोपोडियम या ट्यूबरकुलिनम इंडिकेट होती है और ठीक करती है, इनकी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा मास्टर्स ने बताया है। आमतौर पे ये कहा जाता है जैसे जिन होम्योपैथ, जो नए होम्योपैथ भी रहते हैं जिनको ज्यादा जानकारी भी नहीं रहती है और किसी ने सिर्फ यही पूछ लिया कि पीरियड के समय बहुत दर्द होता है तो आप कौन सी रेमेडी देते हैं, इन जनरल कहा जाता है, ऑलमोस्ट स्पेसिफिक कहा जाता है मेटफॉर्स डिस्मिनोरिया ड्यूरिंग मेंसेस, ऑलमोस्ट स्पेसिफिक। लोग बात तो बता, कई ऐसे पेशेंट आए जो कि जिनको किसी ने जानकारी दी थी वो घर में रखे रहते भाई मेटफॉर्स, क्योंकि उनको डिस्मिनोरिया होता है, वो खाते हैं उनको आराम लग जाता है लेकिन अगली बार फिर होता है। कहने का मतलब मेटफॉर्स आराम तो दे देती है लेकिन उसको क्योर नहीं कर रही है। तो ऐसे डिस्मिनोरिया के केसेस जिनको मेटफॉर्स सिर्फ पेलिएट करे, ट्यूबरकुलिनम क्योर कर देती है। डॉक्टर बोरिक ने तो ट्यूबरकुलिनम का स्पेसिफिक इंडिकेशन बताया, बोरिक मटेरिया मेडिका में डॉक्टर बोरिक ने डिस्मिनोरिया का। मेरे को बहुत हंसी आती जब कई सारे पेशेंट्स ऐसी आती हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा के हैं डिस्मिनोरिया का, वो तो मालूम है डॉक्टर साहब, वो तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता है,
कई औरतों को यह विश्वास रहता है कि ये तो ठीक होने वाली चीज नहीं है, लेकिन सही लक्षण मिल जाए, सही ट्रीटमेंट मिल जाए होम्योपैथी का, तो ये बेशक ठीक हो जाता है। ये एक बार नहीं, हमने बार बार इस चीज को महसूस किया है। डॉक्टर बोरिक क्या कहते हैं, और ये बहुत मिलेगा ये लक्षण, डॉक्टर बोरिक ट्यूबरकुलिनम का डिस्मेनोरिया बताते हुए क्या कहते हैं, जैसे जैसे फ्लो एस्टेब्लिश होता है वैसे वैसे पेन बढ़ता जाता है। फ्लो शुरू हुआ, पेन शुरू हुआ, फ्लो बढ़ने लगा, पेन भी जैसे जैसे फ्लो एस्टेब्लिश होगा पेन बढ़ता जाएगा। पूरे पीरियड बहुत बुरी, बहुत और बहुत सीवियर डिस्मेनोरिया होता है, ये मैंने देखा है और इसको क्योर भी किया है। कई ऐसे डिस्मेनोरिया जो मैकफॉस देने से पेलिएट तो हो गए, लेकिन हर बार रिकरेंसी होती है उसकी। और शायद ये बोरिक का डॉक्टर बोरिक का छोटा सा अनुभव कभी काम आ जाए। वैसे इस पोटेंसी में ट्यूबरकुलिनम आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो बताते हैं कि जैसे डॉक्टर बोरिक कहते हैं कि जैसे लोग बाग सल्फर को यूज करते हैं एज ए इंटर करेंट, उनके टाइम में लोग बाग एज ए इंटर करेंट सल्फर को यूज करते थे, तो बोले जैसे लोग बाग इंटर करेंट एज ए सल्फर को यूज करते हैं, कि जिससे कि सल्फर को किस लिए यूज किया जाता था होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी में, कि वो उसके रेजिस्टेंस को या उसके रिएक्शन को जो वो रेमेडी के दे नहीं पा रहा है ढंग से वो स्टिमुलेट करे। बोले वैसे ही मैं ट्यूबरकुलिनम को यूज करता हूं, लेकिन 8x ट्राइचुरेशन पे। और डॉक्टर बोरिक कहते हैं कि और मैंने ये पाया है कि 8x ट्राइचुरेशन में अगर अपन ने दवा दी है किसी को और रिस्पॉन्ड ढंग से नहीं कर रहा है या उसका रेजिस्टेंस पावर स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर बोरिक कहते हैं मेरा अनुभव है कि ट्यूबरकुलिनम को मैं 8x ट्राइचुरेशन में देता हूं और ये इसका बहुत ही ग्रेट इफेक्ट है स्टिमुलेटिंग द रेजिस्टेंस पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिएक्ट करने लग जाता आदमी मेडिसिंस को, रेजिस्टेंस बढ़ जाता उसका। ये डॉक्टर बोरिक ने कहा, मतलब पत्थर की लकीर। डॉक्टर बोरिक ऐसे डॉक्टर थे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महान डॉक्टर। सो हमेशा ट्यूबरकुलिनम का प्रयोग करते वक्त हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत काम आएंगे, कि आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस में, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत कॉमनली ऐसे बच्चों को और ऐसे पेशेंट्स को लेके आया जाता है जिनको वायरल हुआ था। क्या हो जाता, वायरल फ्लू इन्फ्लुएंजा, आजकल फैशन में है वायरल। सिम्टम्स क्या रहते हैं उसके, सर्दी जुकाम के साथ बुखार आना, तेज हाथ पांव दुखना, डॉक्टर बोल देते हैं वायरल हुआ है। और आमतौर पे लोग बाग एलोपैथी में जाके उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और एक्यूट सिम्टम्स से निजात पा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि जबी से डॉक्टर साहब इसको ना ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ, एक्यूट कंडीशन पेलिएट हो गई, या तो आपके पास जब से खांसी है, जब से वीकनेस है, जब से लिथार्जी है, जब से भूख नहीं लगती है, जब से खूब पसीना आता है, ऐसा कोई भी सिम्टम लेके आए वायरल के बाद, इन्फ्लुएंजा के बाद, तो हमेशा दिमाग में ट्यूबरकुलिनम को रखें, हमेशा। बहुत आएंगे, बहुत सारे आते हैं, हर साल देखो ना स्वाइन फ्लू का कितना बोलबाला रहता है, ये फ्लू, ये वायरल, अक्सर आप सुनते हैं वायरल फैला हुआ है, सभी बच्चों को हो रहा है, तो हुआ था, हम लेके गए थे, ठीक तो हो गया, लेकिन उसके बाद से देखिए ना इसका कफ बना रहता है, खांसी बनी रहती, ठीक ही नहीं होती है। एंटीबायोटिक का कोर्स करवा लिए, है ना, डॉक्टर ने कहा तो कफ सिरप पिला लिए, काढ़े पिला लिए, लेकिन ये जाता ही नहीं है। तो कोई भी सिम्टम हैंग ऑन कर रहा है आफ्टर इन्फ्लुएंजा, ऑलवेज कीप इन माइंड ट्यूबरकुलिनम, ध्यान रखें ट्यूबरकुलिनम का। बार बार गला लग जाने की और भी ध्यान रखें, और ट्यूबरकुलिनम का ध्यान और कब आपको आना चाहिए,
बार बार लोग कई बार शिकायत करते हैं मौसम चेंज हुआ, कुछ खाने पीने में आया, हवा बदली, गला लग गया, बुखार आ रहा है। तो बार बार गला खराब, सोर थ्रोट बोल लो, कॉमन लैंग्वेज में गला खराब बोल लो, गला लग जाना बोल लो, जब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जिसके फ्रीक्वेंट अटैक्स आते हो विथ टॉन्सिलाइटिस, यानी कि दूसरे शब्दों में बार बार जिनको टॉन्सिल हो जाता हो और एनलार्ज टॉन्सिल बार बार होने की वजह से खोल के देख रहे हो तो टॉन्सिल भी बढ़े हुए दिखते हैं, ऐसे केसेस में आपके दिमाग में हमेशा ट्यूबरक्यूलिन होना चाहिए। बच्चों में बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, नोसोर्ट्स का अगर आपको यूज की जानकारी नहीं है ना, तो आप इफेक्टिवली होम्योपैथिक पीडियाट्रिक्स की, होम्योपैथिक शिशु रोग की ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डॉक्टर बेसिलिनम, डॉक्टर बर्नेट का बेसिलिनम देने का तरीका ध्यान रखोगे? वंस ए वीक देते थे वो, और जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि बेसिलिनम मोस्टली रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी इस तरफ ज्यादा हो, लंग्स इन्फेक्शंस, वहीं पे ट्यूबरकुलिनम बोविनम केंट जो है ज्यादातर इंटेस्टाइनल, अगर टीबी का इफेक्ट कहाँ हो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, है ना, एलिमेंट्री कैनाल्स, बोन्स, ग्लैंड्स, इसमें ज्यादा ध्यान किस पे दे, ट्यूबरकुलिनम बोविनम पे। ठीक है, कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे अपन ट्यूबरकुलिनम के बारे में, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही अच्छे होम्योपैथ हुए डॉक्टर मैकेडम, उनके एक्सपीरियंसेस हैं। डॉक्टर मैकेडम कहते हैं कि बेसिलिनम, अभी अपन सिर्फ बेसिलिनम के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिलिनम की यूज, इनने बेसिलिनम का यूज किया अपने जीवन काल में, अपनी जिंदगी में, और उनने ये बताया कि बेसिलिनम का यूज बहुत ही 3-4 लाइनों में बताया उनने, और बहुत ही इफेक्टिव बताया जो आप सबके काम का हो सकता है। और वो है कि ऐसे केस इन्फ्लुएंजा या फ्लू के जो इंडिकेटेड रेमेडी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप बेसिलिनम का इस्तेमाल करें, या फिर ठीक हो गया था उसके बाद कोई लिंगरिंग सिम्टम या कोई क्रॉनिक सिम्टम है तो आप बेसिलिनम का इस्तेमाल करें। बेसिलिनम आपकी मदद कर सकती है ऐसे केसेस में, या तो क्योर करेगी या तो वो किसी पर्टिकुलर रेमेडी की तरफ खोल देगी केस को, जैसा कि नोसोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, डॉक्टर मैकेडम एक चीज और बताते हैं कि साल में जब पतझड़ का मौसम चलता है, जो कि अभी चल रहा है, ऐसे टाइम में अगर आप किसी को, बच्चों को खासतौर से डर रहता है ना, क्योंकि हर साल फ्लू फैलता है, वायरल होता है, हर साल शिकार होते हैं, बोले ऑटम के सीजन में अगर एक डोज दे दिया जाए बेसिलिनम का, तो ये साल भर प्रोफाइलेक्टिक का काम करती है, बच्चे या पेशेंट बचा रहता है इन्फ्लुएंजा के अटैक से, प्रोफाइलेक्टिक का काम करती बेसिलिनम, डॉक्टर मैकेडम कहते हैं। और डॉक्टर मैकेडम अपना एक और अनुभव बताते हैं कि अगर आप किसी प्ल्यूरिसी का केस, स्पेशली जब पानी भर जाता है, इफ्यूजन विथ इफ्यूजन, ऐसा कोई केस जब आप ट्रीट कर रहे हैं, तो किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी कोने में, इस पूरे केस में आपको बेसिलिनम की जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखें। ठीक है, और डॉक्टर मैकेडम कहते हैं कोई भी ऐसी खांसी जो कि जुकाम का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करने या नेग्लेक्ट कर देने की वजह से हो गई, ध्यान नहीं दिया बहुत दिन तक, वो चीज खांसी में कन्वर्ट हो गई, जो राइनाइटिस थी वो ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो गई, अब उसको खांसी बनी रहती है, या फिर
अपने आप बहुत सारे प्रैक्टिस रहती है, चले जाते हैं सीधे दवाई की दुकान वाले के पास, भैया यार ये जुकाम हो गया दवा दे देना यार, और वो दवा की दुकान वाला ही उठा के टेबलेट दे देता है, ये खा लेना भैया 3 दिन तक सुबह शाम, और वो खा के उसको पेलिएट कर लिए। तो ऐसे कोई भी कफ जो बिगड़े हुए या नेग्लेक्टेड जुकाम का नतीजा हो और जिनमें कोई भी पर्टिकुलर रेमेडी इंडिकेट नहीं हो रही हो कि यार क्या दें समझ में नहीं आ रहा हो, तो बेसिलिनम आपकी मदद कर सकती है, डॉक्टर मैकेडम कहते हैं। और आखिरी बात वो ये कहते हैं अपने एक्सपीरियंस में कि इन्फ्लुएंजा के बाद अगर लंग इन्फेक्शन, क्यों आप हॉस्पिटल वगैरह गए हो ना, इन्फ्लुएंजा फ्लू में जो लंग इन्फेक्शन होता है कितना डेंजरस होता है, ये जो स्वाइन फ्लू के जो मर जाते काहे से मरते हैं, आफ्टर इन्फ्लुएंजा देयर इज लंग इन्फेक्शन। डॉक्टर मैकेडम बताते हैं पेसिलिनम इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन लंग इन्फेक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो चाहे कोई सा भी फ्लू हो, होना इन्फ्लुएंजा चाहिए उसके बाद, तो ऐसी कंडीशंस में सोचो जान बचाने के काम आ सकती है ना बेसिलिनम। और आखिरी बात जो सभी बड़े होम्योपैथ कहते हैं, हर नोसोट के बारे में कहते हैं, और आप डॉक्टर HCLN की मटेरिया मेडिका और नोसोट्स खोलेंगे, कोई भी नोसोट्स खोलेंगे, ये लाइन आपको देखने को मिल जाएगी हर नोसोट में कि जब इंडिकेटेड, अपारेंटली इंडिकेटेड रेमेडी, जब इंडिकेटेड रेमेडी शीघ्र से रिजल्ट हमको नहीं देती है, प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स नहीं देती है, देन इनफॉलिबल रेमेडी, फेल ना होने वाली दवा है बेसिलिनम। और खास तौर से अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मामला हो तो फिर बेसिलिनम जादू कर देती है, ठीक है। सो ट्यूबरकुलिनम के बारे में बात हो गई, अभी तक अपन ने दो नोसोट्स के बारे में बात करी, शायद कार्सिनोसिन एंड ट्यूबरकुलिनम। नेक्स्ट क्लास में अपन एक या दो मुख्य मेजर जो नोसोट है अपने, उनमें उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।